तो दोस्तों आज मैं फिर से एक बार 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आया हूं, जो साइंस यानी साउंड से 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट है। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर दिन यानी प्रत्येक दिन 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आता हूं, जो आरआरबी टेक्नीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, इसी से आएंगे क्वेश्चन या इसी के इर्द गिर्द रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाली है। जी हाँ, और मैं बार बार उनको याद दिलाता हूं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले, आप हमेशा याद रखिए कि आपका 40 में 40 मार्क्स लाना है, आपका साइंस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप 40 में 40 मार्क्स लाना चाहते हो दोस्त, मेहनत कीजिए, साइंस स्ट्रांग रहेगा, साइंस कमांड रहेगा, तो आप 40 में 40 मार्क्स ला सकते हो, और मैं 40 में 40 मार्क्स आपको दिलाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, स्किप मत करना। जी, कुछ लोग मैसेज करते हैं मुझे कि आप 40 में 40 मार्क्स दिला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो दोस्त, मैं उनको बता देता हूं कि मैं खुद रेलवे में जॉब करता हूं, मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं है। और ऐसे नेगेटिव थॉट मत रखो, हमेशा पॉजिटिव थॉट रखो। मैं ऐसे ही जॉब नहीं लिया हूं रेलवे में, और ऐसे ही नहीं काम कर रहा हूं, ठीक है। और रही साइंस की बात, तो दोस्त मैं साइंस में पूरा का पूरा क्वेश्चन डील करके आया था। ऐसी सिग्नलिंग डिपार्टमेंट नहीं मिला है रेलवे में। सिग्नलिंग डिपार्टमेंट आपको पता होना चाहिए कि सबसे टॉप लेवल का माना जाता है, ऐसे नहीं होता है। तो नेगेटिव थॉट मत करके रखिए, और ऐसे लोगों के साथ तो रहना ही बेकार है जो नेगेटिव थॉट रखते हैं, ना वो कभी आगे बढ़ेंगे ना आपको कुछ आगे बढ़ने देंगे कभी। हमेशा पॉजिटिव रखिए कि जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्त, हमेशा ये माइंड में सेट करके रखिए। और ऐसे अगर लोग मिल जाए ना कि तुमसे ना होगा, उसे कहिएगा कि हमसे ही होगा और हम ही करेंगे। ऐसे लोगों को साथ मत रहिए, हमेशा टाइम खींचने के पीछे लगे रहते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो दोस्त, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, आप लेके जरूर कुछ जाओगे यहां से। नॉलेज कभी खराब नहीं होता है, कभी बेकार नहीं जाता है। आज ना कल आपका नॉलेज काम देगा, ठीक है। रेलवे में काम ना दिया, आने वाली जो भी वैकेंसी होगी, साइंस तो हर जगह पूछा जाता है, वहां कहीं ना कहीं आपको तो काम दे ही देगी। तो ऐसे नेगेटिव थॉट वाले को साथ मत रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू से अंत तक की वीडियो को देखिएगा, और हाँ, नोटबुक निकाल लीजिएगा और क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब एग्जाम होगी तब मेरे वीडियो से आप क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा, मिलाइएगा, और तब देखिएगा कि कितना क्वेश्चन मेरे वीडियो से आया है। उसमें मैं वीडियो भी डालूंगा और आपको बताऊंगा कि किस वीडियो से मेरा कितना क्वेश्चन आया है। फिर आप हाथ मलते रह जाइएगा और पछताते रह जाइएगा। पछताने से कुछ नहीं होगा, जो सामने है उस पर फोकस कीजिए। रेलवे ऐसे एनुअल कैलेंडर निकाल रखी है ना कि आएगी वैकेंसी करेगी, उसका कोई ठीक है। कल को कुछ और नोटिस निकाल दें, कह दे कि ठीक है कुछ और नियम चेंज कर दे, फिर क्या कीजिएगा आप कुछ नहीं कर पाइएगा। किस समय किसकी सरकार बदल जाती है, किस समय क्या हो जाता है, कोई नहीं जानता है। जो प्रेजेंट में है दोस्त, उस चीज को ध्यान रखो, उस पर फोकस करो। अभी जो वैकेंसी आई है उस पर मेहनत करो, फ्यूचर में क्या होगी उससे हम क्या क्या लेना देना। हमें तो एक सीट से मतलब है, एक सीट पे मेहनत करेंगे, बात खत्म। इसलिए आगे क्या होगा उस पर ध्यान मत दीजिए, अभी जो है प्रेजेंट में उस पर फोकस कीजिए। और ऐसे नेगेटिव थॉट वाले लोगों के साथ तो रहिए ही मत, छोड़ ही दीजिए साथ, वही बेटर है। पढ़ाई पे फोकस कीजिए, कम वैकेंसी ही है लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं ना। चलिए, जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं दोस्त साउंड से, उस पर हम आपको बताते हैं और समझाते हैं कि क्या है क्या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि बादल की बिजली, बादलों की बिजली की चमक जो होती है क्या होती है कि पहले आ जाती है जबकि साउंड हमें बाद में सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। जी हाँ, क्वेश्चन में यही कहा गया है कि बादल की जो होती है चमक वो पहले आती है लेकिन दिखाई देती है हमें, लेकिन साउंड बाद में सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन बताएंगे फिर डिस्कस करके आपको समझाएंगे, समझते चलिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है रेलवे में भी एग्जाम, अदर डिपार्टमेंट में भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया कि प्रकाश की चाल जो होती है वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है ध्वनि की चाल से। दूसरा दे दिया है कि गर्जन बाद में उत्पन्न होती है इसलिए शायद बाद में सुनाई देती है। थर्ड नंबर दे दिया है कि बादल ध्वनि तरंगों को रोक देती है, या फोर्थ नंबर दे दिया है कि प्रकाश निर्वात, प्रकाश क्या है कि निर्वात में चल सकती है परंतु ध्वनि में नहीं चल सकती है, क्या ऐसा है। तो समझिए इस चीज को, ऑप्शन मेरा जो होगा वो फर्स्ट नंबर होगा,
कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसलिए क्या होती है कि प्रकाश हमें दिखाई देती है। ध्यान दीजिए इस फोटो को देख लीजिए, यहाँ गर्जन हो रहा है, तो इसमें क्या है कि आपको जो है प्रकाश पहले आ रही है और ध्वनि बाद में सुनाई देगी। आप ऐसे भी नॉर्मली आप जो है प्रैक्टिकली जब बरसात आ ही गया है मौसम, आप देखिएगा आपको बिजली पहले दिखाई देगी, साउंड बाद में होगी। क्यों होती है? क्योंकि देख लीजिए साउंड की इसमें प्रकाश की चाल देख लीजिए, प्रकाश की चाल क्या होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, जबकि ध्वनि की चाल क्या होती है 332 मीटर पर सेकेंड ही होती है बस। तो स्वाभाविक है कि हमें क्या होगी कि प्रकाश पहले दिखाई देगी, जबकि क्या है कि ध्वनि बाद में सुनाई देगी, क्योंकि ध्वनि की चाल से ज्यादा होता है प्रकाश की चाल, इसलिए प्रकाश जल्दी से चल के हमें आंखों तक पहुंचती है और हमें दिखाई देती है। ध्वनि बाद में 10-15-20 सेकेंड के बाद, मैक्सिमम मान के चलिए 20 सेकेंड में आपको सुनाई दे देगी, वो चमक के 20 सेकेंड बाद। अगर साउंड को आप नोटिस कीजिएगा, टाइम देखिएगा, पता लग जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये चीज है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है, यदि दबाव क्या हो कि दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, ध्वनि की चाल क्या होगा। जी हाँ, जो लोग अगर मेरा कल का वीडियो यानी प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, पिछला वीडियो, वो तुरंत बता देंगे कि इसमें क्या होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दे रहा है कि 166 मीटर होगा, दूसरा दे दिया है इसमें आपका कि 100 मीटर पर सेकेंड होगा, तीसरा दे दिया 332 मीटर पर सेकेंड, और चौथा दे दिया है 664 मीटर पर सेकेंड। तो जो लोग मेरा कल का वीडियो देखे होंगे वो तुरंत मार देंगे टिक की क्या होगा, ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है, दाब को क्या किया जाता है कि दोगुना कर दिया जाता है, तो इसमें ध्वनि की चाल क्या होगी। तो दोस्त मेरा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड नंबर ही, 332 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, चाहे दाब दोगुना कर दे, 5 गुना कर दे, 10 गुना कर दे। अब ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लीजिए, समझिए इसको, मैंने कल ही बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि दाब का साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ध्वनि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे दाब घटे बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है साउंड पे, चाहे 10 गुना कर दे, 20 गुना कर दे, 50 गुना कर दे। ये RRB क्या करती है, या कोई भी एग्जाम अगर कंडक्ट होती है तो वो बच्चों को क्या करती है कि भ्रमित करने का काम करती है, कि भ्रमित हो जाए, लेकिन हमें भ्रमित नहीं होना है। दबाव का साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रभाव किसका पड़ता है दोस्त, तो प्रभाव पड़ता है ताप और आर्द्रता का, ध्वनि पे किसका प्रभाव पड़ता है, ताप और आर्द्रता का पड़ता है, दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये समझ लीजिए, ताप का ये प्रभाव पड़ता है, अगर ताप बढ़ रहा है ना तो ध्वनि भी बढ़ेगा, ताप अगर घट रहा है तो ध्वनि घटेगा, समझिए इस चीज को। आर्द्रता का क्या होता है, आर्द्रता का ठीक उल्टा होता है, अगर आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि क्या होगा, कमेगा, उसकी स्पीड कमेगा, आर्द्रता अगर कम होगा तो ध्वनि की चाल अधिक होगी, ये प्रभाव होता है, लेकिन दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा, कल भी बताए थे आज भी रिपीट कर रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आती है क्वेश्चन दोस्त। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया कि पास आती हुई ट्रेन की सिटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता क्या होती है कि बढ़ती चली जाती है, बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे ही क्या होती है कि पास से आती है, गुजर के चली जाती है, उसकी साउंड धीरे 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 कम हो जाती है, यह किसके कारण होता है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है कई बार ये क्वेश्चन है, तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि डॉपरल का प्रभाव होता है, दूसरा दे दिया है इसमें चार्ल्स का नियम होता है, तीसरा दे दिया है इसमें कि आर्किमिडीज का नियम है, या चौथा दे दिया बिग बैंग का सिद्धांत है, किसके। तो ध्यान रखिएगा ये जो ऑप्शन होगा मेरा करेक्ट वो डॉपलर प्रभाव होगा। अब समझिए कि डॉपलर प्रभाव कैसे होगा दोस्त, डॉपलर प्रभाव ही कहता है कि कोई अगर सोर्स है, कहीं अगर वस्तु स्थित है तो उसकी ओर जो साउंड जाएगी, ध्वनि जाएगी, वो बढ़ती हुई जाएगी, जैसे ही उस वस्तु के जगह या कोई भी आदमी इंसान है उसके पास से होकर जब गुजरेगी तब उसकी ध्वनि की साउंड की आवाजें जो है वो कमती हुई चली जाएगी, ये डॉपलर प्रभाव कहता है, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा डॉपलर प्रभाव है। अब ये समझ लीजिए कि डॉपलर प्रभाव का आखिर हम सिर्फ ट्रेन की साउंड को सुनने में ही करते हैं या कहीं और भी करते हैं, वैसे तो हम पढ़ते रहते हैं,
कि ट्रेन की साउंड आती है पास तो बढ़ती चली जाती है, जब पास से गुजर जाती है तो वह उसकी साउंड जो है धीरे धीरे कम हो जाती है, ये डॉपलर प्रभाव है। लेकिन डॉपलर प्रभाव सिर्फ क्या ट्रेन की साउंड के लिए ही होता है या कहीं और भी होता है? तो जी हाँ, कहीं और भी होता है, इसका यूज होता है। जानिए कि कहाँ होता है डॉपलर प्रभाव का। कॉपी कलम निकालिए, नोट कीजिए। क्या होता है कि ऑडियो जो उपकरण होते हैं उसमें भी डॉपलर इफेक्ट का यूज किया जाता है। दूसरा होता है वेग प्रोफाइल का मेजरमेंट, उसमें भी यूज किया जाता है। तीसरा रडार में भी किया जाता है। चौथा चिकित्सा के उपकरण जो होता है या चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है, बताएंगे आपको, क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सैन्य जो फोर्स होते हैं या एयर फोर्स हो या आर्मी वाला हो, उस सब भी यूज करते हैं इसको, ठीक है। एरोस्पेस नेविगेशन में भी किया जाता है इसका। खगोलीय विज्ञान जो होता है उसमें भी यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल की गति यानी स्पीड मेजर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, डॉपलर इफेक्ट का। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है और डॉपलर प्रभाव पूछता ही है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है, इंपॉर्टेंट है कि जब सेना क्या होती है कि पुल पार करती रहती है तो उसको निर्देश दिया जाता है कि सेना, सभी सेना एक साथ कदम से कदम मिलाकर के न चले, ऐसा क्यों निर्देश दिया जाता है, ये हमें जानना है। क्वेश्चन यही कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है ये। चलिए आपको देख लीजिए, फर्स्ट में दे दिया है कि डॉपलर प्रभाव के कारण पुल टूटने की खतरा रहता है इस वजह से, या दूसरा दे दिया है कि दाब बढ़ने के कारण क्या होता है कि पुल टूटने की खतरा बढ़ जाती है, या तीसरा दे दिया इसमें कि पैरों से उत्पन्न ध्वनि अनुनाद के कारण पुल टूटने की खतरा रहता है इस वजह से, या चौथा दे दिया है कि इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? क्यों सेना को निर्देश दिया जाता है कि पुल पे जब भी चले वो कदम से कदम मिलाकर के न चले, क्यों? ध्यान दीजिएगा, ऐसा इसलिए निर्देश, पहले तो ऑप्शन जान लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। ऑप्शन जो होगा दोस्तों, ये मेरा थर्ड नंबर ऑप्शन होगा कि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने की संभावनाएं ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है कि सेना को निर्देश दिया जाता है कि पुल पे जब भी चले वो कदम से कदम मिलाकर के न चले। अब इसमें समझना है हमको, इसमें देखिएगा वर्ड में दिया हुआ है अनुनाद, रेजोनेंस इंग्लिश वर्ड है। तो रेजोनेंस यानी अनुनाद होता क्या है दोस्त, समझिए इस चीज को। तो रेजोनेंस यानी कि डीप साउंड या मजबूत, डीप मजबूत कहिए साउंड या डीप साउंड जो होती है वो रेजोनेंस होती है, ठीक है। तो जब कदम से कदम मिलाते हैं तो क्या होता है कि जोर से साउंड निकलता है, जो ये पुल टूटने की संभावना बन सकती है उसके साउंड से, वाइब्रेट से। आपको क्वेश्चन बताएंगे आगे, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। तो ये मेरा ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त दे दिया है इसमें कि कहा जाता है कि जब तानसेन गाते थे या गिटार बजाते थे तो क्या था कि खिड़की के कांच या कांच का ग्लास टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, क्या यह संभव था? जी हां संभव था, लेकिन किस ध्वनि के किस गुण के कारण ऐसा होता था? तानसेन के सुर में इतना मतलब कि आवाज था, मतलब पावर था कि अगर वो गा देते तो वो क्या होता है, खिड़की में लगे कांच चूर चूर हो जाता और ग्लास ब्रेक होना शुरू हो जाता, आखिर किस कारण से? ऑप्शन देखिए, अभी जो मैंने आपसे सेना वाला समझाया ठीक वही है, रेजोनेंस, अनुनाद के वजह से इतना रेजोनेंस उत्पन्न हो जाता था कि ब्रेक हो जाता था ग्लास, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन मेरा क्या है, फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, रेजोनेंस यानी अनुनाद। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त दे दिया है कि एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच जो होती है वो न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है, ये बताना है मुझे, पूछा गया है क्वेश्चन, देख लीजिएगा। तो जो सोर्स होते हैं जहां हम खड़े हैं और जहां से परावर्तन हो करके आएगा, उन दो हमरे और उसके बीच की दूरी कितना होना चाहिए मिनिमम, ये इसमें कहा जा रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन पहला दे दिया है 34 मीटर, दूसरा दे दिया है 36 मीटर, तीसरा 17 मीटर और चौथा दे दिया है 10 मीटर, कितना होना चाहिए दूरी। तो दोस्त हम जहां पे खड़े हैं, आगे जो परावर्तक सतह होगा उसके या मेरे के बीच के दूरी जो होना चाहिए मिनिमम 17 मीटर होना चाहिए, तभी प्रतिध्वनि यानी इको साउंड निकलेगा। 17 मीटर से कम नहीं, 17 मीटर से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं, मिनिमम, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर मेरा क्या होगा ऑप्शन कि करेक्ट होगा 17 मीटर, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्त दे दिया है इसमें कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के द्वारा हाँ उत्पन्न ध्वनि पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। ठीक है, तो अभी तो बताए हैं, ये पुनरावृत्ति दे दिया है भाई, डायरेक्टली बता दो, क्वेश्चन को घुमाओ मत, जेई में पूछ दिया है, खैर घुमा के तो पूछेगा, जेई लेवल का पेपर पूछा है तो कुछ तो बनता है घुमाने का, आरआरबी का। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इसमें दे दिया है, फर्स्ट नंबर में दे दिया है इसमें कि दोहरा, दूसरा प्रतिध्वनि, तीसरा दे दिया है स्वर, चौथा दे दिया है आपका नोट। क्या होगा तो दोस्त, ऑप्शन होगा प्रतिध्वनि करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और नोट्स तैयार करते चलिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए, ठीक है, ऑडियो ऑडिटोरियम में, ऑडिटोरियम के छत और क्या होता है कि दीवारों पर जो है ढका जाता है, वो किससे ढका जाता है, क्यों ढका जाता है, यही बताना है मुझे। ठीक है, ऑडिटोरियम तो समझिए रहे हैं कि बहुत बड़ा हॉल होता है जिसमें सभी लोग बैठते हैं, तो वो ऑडिटोरियम होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक एक आदमी, क्योंकि ऑडिटोरियम तो बहुत बड़ा हॉल होता है ना, उसमें हजारों में लोग होते हैं, अगर 1000 लोग छोटा छोटा वर्ड भी सब अगर बोले ना तो आवाज कितना गूंजना शुरू कर देगा, तो वहां पे क्या होता है कि साउंड को कम कर लेने के लिए ऑडिटोरियम के छत और दीवारों पर लगाया जाता है प्रतिध्वनि को, इको साउंड को कम करने के लिए, वो क्या लगाया जाता है ये बताना है मुझे। पूछा गया है क्वेश्चन, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया है धातु, दूसरा दे दिया है आपको फाइबर बोर्ड, तीसरा रबड़ और चौथा दे दिया प्लास्टिक। किसका यूज किया जाता है दोस्त, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो यूज किया जाता है वो फाइबर बोर्ड का यूज किया जाता है। अब समझिए कि फाइबर बोर्ड होता क्या है, तो दोस्त फाइबर बोर्ड जो होता है वो साउंड को ऑब्जर्व करने के लिए होता है। अब आपको बता देते हैं, जैसे देख लीजिए ये तो बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं दीवार पे ऐसे देख रहे हैं ना, उसके दीवार पे जो लगा हुआ है वो फाइबर बोर्ड होता है, या ये तो लकड़ी का बना हो सकता है या प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, जो साउंड को ऑब्जर्व करता है, परावर्तन नहीं करता है, ये कहिए। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, ये जो म्यूजिक लोग गाते हैं, गाना गाते हैं, उसके दीवारों पर भी पीछे ये लगा होता है फाइबर बोर्ड, ठीक है, जो साउंड को ऑब्जर्व करता है, नहीं तो गाना गाएगा बार बार क्या होगा कि परावर्तन करके गाना, एक गाना जो गा रहा है उसी को बार बार रिपीट करेगा तो माइक में क्या होगा, इको साउंड रिकॉर्ड हो जाएगा, पता चलेगा पीछे से बार बार गाना गाया जा रहा है, तो उसको जो है क्या होता है कि कम करने के लिए इसी फाइबर बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऑडिटोरियम में भी इसका इस्तेमाल, क्योंकि ऑडिटोरियम में तो आपको बता दी कि बहुत सारे लोग होते हैं, हजारों में होते हैं, तो गूंजेगा आवाज, उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि एक प्रतिध्वनि 3 सेकेंड के में वापस आ जाती है, ठीक है, आ जाती है, तो यह ध्वनि की यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकेंड हो तो सोर्स से परावर्तन की दूरी कितनी होगी, ये बताना है मुझे, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है आपको जो है 513 मीटर, दूसरा 342 मीटर, तीसरा दे दिया है आपका जो है 644 मीटर, चौथा दे दिया है 171 मीटर, क्या होगा, तो ध्यान रखिए यहाँ पे आपको क्या है कि 3 सेकेंड में परावर्तन करता है, तो समय आपको दे दिया है, क्या दे दिया है समय, तो समय आपको दे दिया है 3 सेकेंड, उसके बाद जो है आपको चाल दे दिया है 342 मीटर पर सेकेंड दे दिया है, आपको निकालना क्या है तो परावर्तक सतह से जो ध्वनि टकरा करके आती है उसकी दूरी निकालना है, तो दूरी निकालना है, तो एक ध्यान रखिए फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, यहीं से निकालेंगे हम लोग, तो आप यहाँ पे क्या करना है दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे चाल गुणे समय हो जाएगा, चाल के जगह पे रख दीजिए 342 और गुणे 3 रख दीजिए समय के जगह पे, दोनों को गुणा कीजिए कितना आ जाएगा 1026 मीटर। ऑप्शन में क्या 1026 मीटर है, नहीं है, तो क्या छोड़ दीजिएगा, नहीं छोड़ेंगे, इसी में से ऑप्शन है एक, ध्यान रखिए अब कैसे है ये समझिए, 1026 मीटर तो आ गया, लेकिन बहुत लोग यह देखेंगे 1026 मीटर ऑप्शन में नहीं है, चलो हटाओ छोड़ो ये आ नहीं रहा है गलत, चारों ऑप्शन गलत है, नहीं बॉस चारों गलत नहीं है, एक है इसमें ऑप्शन, अब समझिए इस चीज को, क्या है कि साउंड जा रहा है फिर आ रहा है वापस, तो एक गाया उतना दूरी, एक वापस आया उतना दूरी, मैंने तो दो दूरी तय किया, तो दो दूरी मिला करके ना 1026 मीटर है परावर्तक, ये प्रतिध्वनि की दूरी है, प्रतिध्वनि कब होगी जब साउंड जाएगा वापस टकरा करके आएगा, तो दोगुना दूरी तय किया, तो दोगुना दूरी तय किया तो 1026 मीटर हो गया, अब दोगुना है तो, लेकिन हमको परावर्तक सतह का दूरी निकालना है, तो इसमें 2 से क्या कीजिए कि भाग कर दीजिए, भाग कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 513 मीटर, अब आ गया ऑप्शन, तो ऑप्शन मेरा फर्स्ट क्या होगा 513 मीटर
करेक्ट होगा। तो इसे छोड़ के मत आइएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, परावर्तक सतह से अपनी प्रतिध्वनि की दूरी कह रहा था निकालने के लिए, इसलिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया कि लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनि को एक से अधिक क्या होता है कि सुना जा सकता है। अरे घुमा के क्यों दे रहे हो यार क्वेश्चन, ऐसा देता है ना कि हम भी पढ़ने में कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या कोई नहीं, पूछा जा चुका है, आरआरबी ऐसे ही करता है, घुमाने का काम करता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दे दिया फर्स्ट में विरलन, दूसरा विवर्तन, तीसरा परावर्तन, चौथा अपवर्तन, क्या होगा। तो दोस्त प्रतिध्वनि जो हमें एक से अधिक बार सुनाई देती है, तो वो प्रतिध्वनि होती है जो एक से अधिक बार सुनाई दे, तो वो किसके कारण होती है ये जानना है, तो वो होता है परावर्तन के कारण होती है, ये जान लीजिए, ये तो हम आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिध्वनि का परिणाम होती है इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। ध्वनि प्रति मतलब ध्वनि की दृढ़ता जो होती है, दोहरे प्रतिबिंब मतलब दो बार उसका प्रतिबिंब बने, तो दो बार प्रतिबिंब, ध्वनि का दो बार प्रतिबिंब बने मतलब दो बार ध्वनि सुनाई दे, उसको क्या कहते हैं। आप तो समझिए, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका दे दिया प्रतिबिंब, विरलन, गूंज या प्रतिध्वनि, तो स्वाभाविक है कि प्रतिध्वनि ही होगी, तो ऑप्शन ये मेरा क्या होगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि प्रतिध्वनि। घुमा घुमा के देता है, देख लीजिए पूछा गया है एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया है, कितना मतलब घुमा के देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है कि सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, ठीक है, दूरी, दिशा और दे दिया है आपको गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी तरंगों का क्या होता है कि उपयोग करता है। दूसरे तरीका से क्वेश्चन आपको देगा कि समुद्र की गहराई, ठीक है, समुद्र की गहराई निर्धारित करने के लिए, ठीक है, पानी के नीचे दे दिया है कि पानी के नीचे या पहाड़ियों या घाटियों या पनडुब्बियों और आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो दूसरा नंबर में जो क्वेश्चन है उसमें आपका सोनार होगा आंसर। ऊपरा वाला जो क्वेश्चन दे दिया है कि सोनार एक उपकरण है जो कहाँ उपयोग किया जाएगा ये, तो आप ऑप्शन इसके देखिएगा, देख लीजिए कितना बार पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, पहले वाले के लिए है, दूसरा वाला का तो ऑप्शन सोनार होगा, पहले वाले के लिए जो सोनार एक उपकरण है वो कहाँ उपयोग किया जाता है इसके लिए जान लीजिए कि पहला दे दिया ऑप्शन जमीन पर, दूसरा हवा में, तीसरा अंतरिक्ष में, चौथा दे दिया है पानी में। तो सोनार का उपयोग जो है दोस्त पानी में ही किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक वेव को पानी के नीचे भेजा जाता है, और जमीन पानी के नीचे क्या होता है कि कोई अगर वस्तु होती है तो वहां से टकरा करके वो ध्वनि जो है, साउंड जो होता है, अल्ट्रा वेव जो होता है आपको, अल्ट्रासोनिक वेव ऊपर आती है और जो है क्या होता है, एक रिंग लगा होता है, वो रिंग करने लगता है, रिंग बजने लगता है, जिससे पता चलता है कि इस पानी के नीचे कुछ ना कुछ है। तो गोताखोर वहां पे जाकर के उस चीज को पता लगाते हैं, ठीक है। तो पानी में छुपे हुए चीजों को पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है, ध्यान रखिए इस चीज को, इंपॉर्टेंट चीज है, अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती है उसकी उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। या कभी कभी आपको क्वेश्चन दे सकता है कि सोनार में किस ध्वनि का यूज किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि इकोकार्डियोग्राम, हाँ इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से किससे संबंध रखता है ये जानना है। इकोकार्डियोग्राम किससे संबंधित है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है डॉपलर इफेक्ट, दूसरा जीमन इफेक्ट, तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चौथा दे दिया चुंबकीय इफेक्ट, किससे संबंधित रखता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है इकोकार्डियोग्राम जो है दोस्त वो डॉपलर इफेक्ट से संबंध रखता है। अब कैसे रखता है ये भी समझ लीजिए, तो ये समझ लीजिए कि इकोकार्डियोग्राफ जो होता है या इकोकार्डियोग्राम जो कहते हैं वो डॉपलर इफेक्ट से तो संबंध रखता ही है, लेकिन ये होता है क्या, तो दोस्त ये जो होता है एक तरह का अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है, समझिए इसको। इसमें क्या होता है कि ट्रांसड्यूसर होता है लगा हुआ, उसके माध्यम से क्या होता है कि अदृश्य ध्वनि तरंग को के लिए जो है जांच की जाती है इससे, ठीक है, और इस डिवाइस से हृदय के विभिन्न भागों में उठने वाले ध्वनि को पकड़ा जाता है, मतलब जांच किया जाता है, पकड़ लिया जाता है, उसके बाद इस तरंग को क्या किया जाता है कि वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पे ग्राफ दिखाया जाता है कि कितना आ रहा है जा रहा है, तो वो एक फ्रीक्वेंसी बन जाती है, तो उससे पता कर लेते हैं हम। तो ये इको साउंड के जो होता है, इको साउंड कर रहे हैं, ये इकोकार्डियोग्राम जो होती है वो डॉपलर इफेक्ट को जो है नियर बाय दर्शाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं। कह दिया है इसमें कि सोनार का पूरा नाम क्या है, जी हाँ दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए कि सोनार का पूरा नाम क्या होता है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, देख लीजिए।
तो सुनार का फुल फॉर्म बताना है तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपको दे दिया है इसमें कि साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रैंकिंग, ये होगा। या दूसरा दे दिया है कि साउंड नेविगेशन एंड रिशिंग, तीसरा दे दिया है कि साउंड नेविगेशन नेविगेशन हाँ साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, चौथा दे दिया कि साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रिचिंग, ये होगा। तो दोस्त होगा क्या, देखिए सोनार का जो फुल फॉर्म होता है दोस्त वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रिचिंग रेजिंग, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या है कि करेक्ट होगा, इसका याद रखिएगा हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेजिंग कहिए या रैंगिंग कहिए, बात वही होता है, तो इंपॉर्टेंट चीजें है इसमें आपको बता दिए हैं। सोनार कैसे यूज करता है कि अल्ट्रा साउंड वेव को क्या करता है, पानी भी भेजता है, उसे वस्तु को पता लगाने में यूज किया जाता है। अपन डिब्बियों में ये खास करके यूज होता है, पानी के नीचे किया जाता है ये यूज, ठीक है। तो भूलिएगा मत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। अब अगला क्वेश्चन दे दिया है कि रडार, जी दोस्त रडार, अब रडार का फुल फॉर्म बताना है इसमें। ऐसे शब्द रडार जो है कहता है किससे भी उत्पन्न है, मतलब रडार का फुल फॉर्म बताना है इसमें क्या है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन दे दिया है आपको कि रेट्रो डायग्नोसिस एंड इसमें रिकॉग्नाइजेशन, ये है रिकॉग्निशन। दूसरा दे दिया है आपको ऑप्शन कि रेडियो डिटेक्शन एंड रिसोल्यूशन, ये होगा। या तीसरा दे दिया है कि रैपिड डिटेक्शन एंड रिएक्शन। चौथा दे दिया है आपका कि रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, क्या होगा। तो दोस्त इसमें जो होगा रडार का फुल फॉर्म जो होगा वो चौथा नंबर करेक्ट होगा मेरा, कि रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ये होगा। अब ये समझ लीजिए कि रडार दोस्त, रडार आखिर होता क्या है, रडार कैसे काम करता है, थोड़ा ये समझ लीजिए, इसको हटाइए, देख लीजिए ये रडार है, ठीक है। तो ये रडार जो होता है दोस्त एक प्रकार का उपकरण कहिए या मशीन कहिए वो होता है, जो करता क्या है तो ये करता है कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या कहीं स्थित कोई वस्तु है या किसी चीज के गति को पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब पता लगाता कैसे है, तो इससे होता क्या है दोस्त कि इससे विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती है, उसको क्या किया जाता है कि भेजा जाता है, और उसके रास्ते में जो भी वस्तु आती है वहां से टकरा करके ऊर्जा वापस आती है, और यहाँ जो मशीन लगी होती है उस पे वो इंडिकेट करती है कि हाँ यहाँ पे दो चार वस्तु रास्ते में है, तो उससे क्या होता है कि पता लग जाता है रडार से, तो वो इंडिकेट कर देती है, समझ लीजिए इस चीज को। तो इससे वेव निकलती है, वो भी विद्युत चुंबकीय वेव निकलती है, ठीक है। अब समझिए कि इसका उपयोग तो आपको बता ही दिए हैं कि आर्मी में भी किया जाता है, एयरफोर्स में किया जाता है, नाव नेविगेशन में भी किया जाता है, स्पेस में भी किया जाता है, और इसका उपयोग ऑटोमोबाइल के गति मेजर करने में भी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सबको नोट करते चलिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन बनाते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है इसमें कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पे कितने समय तक रहता है। जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ये ऑप्शन दे दिया है कि 1/10 सेकेंड तक, 1/20 सेकेंड तक, 1/2 सेकेंड तक या 1/5 सेकेंड तक, कितना रहता है। तो जो ध्वनि आपको सुनाई देती है कानों में वो कितने समय तक प्रभाव डालता है, कितने समय तक रहता है। तो ध्यान रखिएगा, जो ध्वनि आती है वो हमारे कानों तक 1/10 सेकेंड तक बनी रहती है, ठीक है। ये दोस्त अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, दे दिया है कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रावर्तक दे दिया है तल के लिए जो है कितनी दूरी होनी चाहिए। तो अभी तो आपको बता दिए हैं कि प्रावर्तक सतह से किसी व्यक्ति की दूरी जो होती है वो 17 मीटर होती है, लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या दे दिया, फीट में दे दिया है। तो अब तो कंफ्यूज हो गया, अगर फीट में आप जान गए तो आप मीटर सेंटीमीटर सब में निकाल लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन पहला दे दिया है इसमें कि 28 फीट, दूसरा 224 फीट, तीसरा दे दिया है 56 फीट, और चौथा दे दिया है 100 फीट। कितना फीट होता है मिनिमम दूरी, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो होता है दोस्त वो 56 फीट होता है, थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन सही है। और मीटर में अगर कहेगा तो मीटर तो आपको पता है कि 17 मीटर होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर जो है कार्य करती है। जी हाँ, स्टेथोस्कोप मतलब कि डॉक्टर लोग जो आला लगाते हैं उसकी उसी को स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो वह किस सिद्धांत पे काम करती है ये बताना है। ऑप्शन मेरा दे दिया है पहला
कि अपवर्तन पे काम करती है, अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करती है, या दूसरा विवर्तन के, या तीसरा ध्रुवन के, या चौथा परावर्तन के सिद्धांत पे, किस पे काम करती है? तो दोस्त आला जो लगाते हैं स्टेथोस्कोप, वो परावर्तन के सिद्धांत पे काम करती है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा भी जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि मैक अंकों को जो है प्रयोग किया जाता है वो किससे संबंधित है? तो मैक अंक का प्रयोग किया जाता है वो किस में अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है, ये मुझे जानना है। तो ऑप्शन में ले चलते हैं आपको, पहला ऑप्शन दे दिया जल यान में, दूसरा दे दिया अंतरिक्ष यान में, तीसरा वायु यान में, चौथा दे दिया है ध्वनि में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, पूछा जाता है मैक संख्या कहाँ यूज किया जाता है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, मैक संख्या जो होता है वो वायु यान में यूज किया जाता है, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे दे दिया है दोस्त कि ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि और नर ध्वनि की भिन्नता को दर्शाती है क्या कहलाती है, मतलब दिखाती है, करती भिन्न, अलग करती है। या दूसरे तरीका से पूछ सकती है क्वेश्चन कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि क्या होती है कि मोटी और पतली होती है, ये ठीक है। तो किसके कारण ध्वनि पतली और मोटी होती है, या पुरुष या मादा का साउंड जो है डिफरेंट होता है, किसके कारण, ठीक है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ऑप्शन मेरा दे दिया है कि दे दिया है ऑप्शन कि प्रवास स्थान की वजह से, या गुणवत्ता की वजह से, या तीसरा दे दिया प्रबलता की वजह से, या चौथा दे दिया है तारत्व यानी पिच की वजह से, किस वजह से? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, मेरा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पिच की वजह से होगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए इस चीज को कि लड़का लड़की का जो साउंड होता है वो पिच के वजह से ही डिफरेंट होता है, मतलब तारत्व की वजह से होती है। अब समझिए इस चीज को, जितना तारत्व अधिक होगा उतनी सुरीली और पतली आवाज होगी, जितना तारत्व कम होगा उतना ही आवाज मोटा और फटा हुआ होगा, ठीक है। इसलिए लड़कियों की आवाज जो होती है ना दोस्त, बहुत सुरीली होती है, लोग फोन पे रात गुजार देते हैं उसी साउंड पे, ध्यान रखिएगा। तो ज्यादा उस पर जाइएगा मत, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, उसके बाद तो 100 लाइन लग जाएगी। तो पिच की वजह से क्या होती है कि वो आपका जो है तारत्व जो होता है, तारत्व की वजह से आवाज पतली और मोटी होती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। तो दोस्त ये था 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साउंड से था, इसे आने की संभावना एग्जाम में बहुत ज्यादा है दोस्त, तो इसको नोट करते चलिए, कर लिए होइएगा जहां तक ख्याल है। अगर आपने पिछला वीडियो भी नहीं देखा है तो दोस्त पिछला वीडियो जा करके सभी वीडियो को चेकआउट कीजिए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला करके रखा है इस वीडियो में बहुत मेहनत करके। और अभी तक अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, देरी ना हो, ठीक है। दोस्त आने की संभावना बहुत ज्यादा है क्वेश्चनों की, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए इग्नोर ज्यादा मत कीजिएगा और ज्यादा इधर उधर मत कीजिएगा, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप जितना पढ़ रहे हैं उससे कई गुना पढ़ने वाले लाइन में खड़े हैं, पता होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।